नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन और मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो टी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। दोस्तों, टाटा एसी गोल्ड BS6 पेट्रोल इंजन न्यू मॉडल ए मिनी ट्रक चेसिस अभी अभी मार्केट में आया है। इस गाड़ी का बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेगा। टाटा एसी गोल्ड BS6 ए पेट्रोल इंजन मिनी ट्रक चेसिस का मार्केट प्राइस 4,25,500 रुपया। टाटा 275/694 cc टू सिलेंडर फोर स्ट्रोक वाटर कूलेंट मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल BS6 इंजन। इसका 4,000 RPM और 30 हॉर्स पावर। इसका लोड बॉडी लंबाई 7.2 फुट और चौड़ाई 4.9 फुट। और पीछे बैक डाला में देखिए, 4 गो डिस्टेंस सेंसर और 2 इंडिकेटर लगा हुआ है। और इसका व्हील का बारे में बात करें तो व्हील बेस 2100 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर। दोस्तों, टाटा एसी गोल्ड BS6 पेट्रोल इंजन, इसमें एक पेट्रोल टैंक दिया हुआ है, 26 लीटर का पेट्रोल टैंक है। और इसमें डेप पर यूरिया का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें यूरिया पानी का कोई सिस्टम नहीं है। अभी केबिन का अंदर में लेके आया, देखिए पुश चाबी है। उसके बाद केबिन का अंदर में देखिए कितना अच्छा काफ़ी पेस दिया हुआ है। और ऊपर में देखिए एक लाइट भी दिया हुआ है। अभी देखिए गियर लीवर है दोस्तों, इसमें 5 स्पीड गियर दिया हुआ है, मैनुअल गियर। और ये हैंड ब्रेक लीवर। अभी देखिए डिजिटल मीटर बोर्ड है। और स्टेरिंग का अंदर में देखिए 2 हॉर्न का स्विच भी लगा हुआ है। और अभी इसका पुश चाबी हम ऑन करेगा, देखिए अभी पुश चाबी ऑन किया हुआ है। और उसके बाद इसको क्रैंकिंग करेगा, इंजन को स्टार्ट करेगा। अभी मेरा इंजन भी स्टार्ट हो गया है, अभी इंजन स्टार्ट है। इसके बाद फिर से ऑफ कर देगा पुश चाबी, देखिए इंजन को ऑफ कर दिया है। उसके बाद देखिए इंजन देखा रहा आपको, इसका जो बर्नर्ड है उसको हम खोला हुआ है। और देखिए पेट्रोल इंजन किस तरीका है, देखने में कैसे है। ये 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और इसका फ्यूज बॉक्स है, जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक सिस्टम का फ्यूज बॉक्स, एक कूलेंट टैंक। दोस्तों, ये BS6 इंजन है, इसमें लैपटॉप लगा के फॉल कोड इसको चेक किया जाता है, उसका कनेक्शन भी दिया हुआ है। देखिए केबिन का अंदर में एक क्लच पैडल, ब्रेक पैडल और इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सेलेटर पैडल लगा हुआ है। अभी केबिन का अंदर से हम बाहर निकाल गया, देखिए इसको गेट बंद कर दिया। और सामने फ्रंट पोजीशन में देखिए ये लिखा हुआ है और टाटा का लोगो भी लगा हुआ, और ये देखिए गोल्ड भी लिखा हुआ, दोनों हेडलाइट इंडिकेटर। अभी नीचे का तरफ में देखिए इसका साइलेंसर पाइप, कॉम्प्लीट साइलेंसर पाइप देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सब लगा हुआ है BS6 में। और पीछे का डिफेंसर। और दोस्तों देखिए इसमें ब्रेक ऑयल सिस्टम, इसका ब्रेक है पीछे का ऑयल ब्रेक और ड्रम ब्रेक बोला जाता है, और सामने का डिस्क ब्रेक। और दोस्तों ये गियर बॉक्स है, इसमें टाटा का न्यू मॉडल में 65 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया हुआ है। और देखिए व्हीकल स्पीड सेंसर और इसमें गियर का केबिल दिखाई दे रहा है, इसमें केबिल सिस्टम है। और क्लच केबिल भी लगा हुआ पास में दिखाई दे रहा, एक क्लच केबिल है, क्लच का फ्रॉग है। और ऊपर में दोनों जो हरा रंग का वो गियर लीवर का केबिल है। अभी दोस्तों इसको पुश चाबी ऑन करके इसका इंजन को हम फिर से और एक बार स्टार्ट करेगा। देखिए अभी इसका इंजन को हम स्टार्ट किया और स्टार्ट करके गाड़ी को आगे बढ़ा के देखेगा। इसका जो इंडिकेटर वाइपर मशीन इस सबको भी हम चला के देखेगा। देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को हम गेट का तरफ आगे ले जा रहा, फिर से गाड़ी को फिर घुमा के फिर से अंदर भी किया है। दोस्तों गाड़ी चला के देखा है, ये गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ते हैं।
और गाड़ी में सब कुछ ओके है, गियर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा गाड़ी है, टाटा एसी गोल्ड BS6, ये पेट्रोल इंजन।